Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the subject of indirect tax, and we are going to cover an introductory session related to GST called as Goods and Services Tax 2017. तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक देखिए और जीएसटी के अपने जो बेसिक्स है वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक्ट फॉर्म किया था गवर्नमेंट ने, वो एक्ट फॉर्म किया था 2017 के अंदर, और 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था. जीएसटी के लिए एक बेसिक पॉइंट आपने देखा होगा, हर जगह पे सुना होगा, विच इज़ कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स. हर जगह पे सेम टैक्स लगेगा, एंड ये एक बेसिक पॉइंट था जीएसटी का, वन नेशन वन टैक्स, सिंगल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. पहले गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लगता था जिसको हम वैट के नाम से जानते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एंड सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्सेस लगता था जिसको हम सर्विस टैक्स के नाम से जानते थे. अब क्या होगा कि गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर एक कंबाइंड टैक्स लगेगा, एंड विच इज द पॉइंट कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉल्ड एज जीएसटी. जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट किया? जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 से. तो इस वीडियो में सारे बेसिक्स में क्लियर करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम हर एक चैप्टर वाइज के डिटेल्स इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे. जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक्ट है वो बेसिकली एक रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, और 101वां अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया जिसके रिलेटेड ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया था. बेसिकली सेंटर और स्टेट दोनों को टैक्स कलेक्ट करने का राइट इस बेसिस पे दिया गया, कॉल्ड एज ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो इंडिया फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट इज सम ऑफ द बेसिक्स वी विल लर्न. नंबर वन इज फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इज फ्रांस. तो सबसे पहले जिस कंट्री ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था वो था फ्रांस इन द ईयर 1954. तो 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद इंडिया से पहले मलेशिया ने इम्प्लीमेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था मलेशिया ने, उसके बाद फिर इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर लिया. तो जीएसटी की वजह से क्या होगा, जीएसटी के वजह से जो हमारे 17 टैक्सेस है जो सबसूम हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे, रिपील्ड हो जाएंगे. तो 17 टैक्सेस जो है हमारे, 17 टैक्सेस 8 टैक्स जो है सेंट्रल लेवल के और 9 टैक्स जो है वो स्टेट लेवल के, ये सारे के सारे टैक्सेस अभी नहीं रहेंगे, और उसके बदले में एक डायरेक्टली नया टैक्स लाया गया विच इज़ कॉल्ड एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली है क्या, जहां पे गुड्स कंज्यूम होंगे वहां पे गुड्स टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो जीएसटी इज नथिंग बट अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब हमने समझो मुंबई में गुड्स बनाए और दिल्ली में बेचे तो दिल्ली में टैक्स लगेगा, विच इज कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब कंजम्पशन जहां पे होगा वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा. नेक्स्ट इज जीएसटी विल रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट. ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. कैस्केडिंग का मतलब होता है डबल टैक्सेशन. एक प्रोडक्ट के ऊपर पहले डबल बार टैक्स लगता था, तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो बार टैक्स लगता था. जैसे मैंने अगर कुछ गुड्स बनाए तो बनाने के बाद वेयर हाउसेस से निकले बाहर तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता था. फिर अगर हम सेम स्टेट में गुड्स बेचेंगे तो हमें वैट भरना पड़ता था. अगर हम दूसरे स्टेट में गुड्स बेचें तो हमें सीएसटी भरना पड़ता था. तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, जिसको जीएसटी ने रिमूव कर दिया. अब हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आने चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ जीएसटी. तो हम अभी मैं इसके रिलेटेड एक एक एग्जांपल भी लूँगा सो दैट आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. देखो ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंडिया फॉलो कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रल भी टैक्स चार्ज कर रहा है, स्टेट भी टैक्स चार्ज कर रहा है. फर्स्ट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम इंट्रा स्टेट सेल के नाम से जानते हैं. अभी इंट्रा और इंटर ध्यान से पढ़ना. देखो इंट्रा स्टेट का मतलब है सेम स्टेट. अगर हमने मुंबई में गुड्स बनाए और मुंबई में ही बेचे तो हमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, हमें सीजीएसटी भरना पड़ेगा, एसजीएसटी भरना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल 5% टैक्स है तो 2.5% सीजीएसटी भरना पड़ेगा, 2.5% हमें एसजीएसटी भरना पड़ेगा. मतलब अगर सेम स्टेट में गुड्स बनाए और सेम स्टेट में ही गुड्स को कंज्यूम किया गया है या बेचा गया है तो हमें इंट्रा स्टेट सेल लगेगा, विच इज कॉल्ड एज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी.
अगर हम यूनियन टेरिटरी में गुड्स बनाएंगे, जैसे दमन है, चंडीगढ़ है, समझो चंडीगढ़ में मैंने गुड्स बनाए और चंडीगढ़ में ही बेचे, तो हमें SGST नहीं लगेगा, वहाँ पे UTGST लगेगा। मतलब कहाँ पे भी आप गुड्स बनाओ, सेंटर को तो आपको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। तो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस UTGST यूनियन टेरिटरी में। अगर आपने एक स्टेट में गुड्स बनाए और दूसरे स्टेट में बेचा तो लगेगा IGST विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये थे कुछ बेसिक्स। नेक्स्ट है मॉडल्स एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो मॉडल्स एंड रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो मॉडल फॉलो किया है वो कैनेडियन मॉडल है। तो इंडिया ने कौन सा मॉडल फॉलो किया है? कैनेडियन मॉडल। मतलब कैनेडा में भी ड्यूअल GST मॉडल फॉलो हो रहा है उसी बेस पे। एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील में भी ड्यूअल GST मॉडल फॉलो हो रहा है, कनाडा में भी ड्यूअल GST मॉडल फॉलो हो रहा है, और इंडिया ने कैनेडियन मॉडल फॉलो किया है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, कैनेडियन मॉडल है, केलकर मॉडल है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया ने कैनेडियन मॉडल फॉलो किया है। अभी कुछ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फॉर गुड्स इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 40 लाख, तो ये 1 अप्रैल 2019 से नया रूल आया है, जो लिमिट है थ्रीशोल्ड लिमिट। तो बेसिकली जिस किसी का भी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होगा उसे GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा। और अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ बेसिक समझे कि 40 लाख के नीचे जिसका भी टर्नओवर है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर है गुड्स के बारे में तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगे तो 20 लाख से, और अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देखें तो वो 20 लाख से, और सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट है। तो ये सर्विसेज के लिए हमारी लिमिट जो है वो 20 लाख की है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली पूरे वीडियो से हमने यही बातें समझी है कि GST कैसा टैक्स है। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और GST के लाने की वजह से बहुत सारे टैक्सेस के रेट्स कम हो जाएंगे, बिकॉज अभी मैक्सिमम रेट जो है वो 28% का डिसाइड हुआ है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो 28% से ज़्यादा आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी तक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने GST इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसका बेस्ट एग्जांपल वैसे 5 प्रोडक्ट्स है, अल्कोहलिक लिकर है, फिर पेट्रोलियम के क्रूड कुछ प्रोडक्ट्स है, मनी है, सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर GST अभी तक लगाया नहीं है। दिस वॉज द वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।